फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। सो टुडे आई एम हियर विद फ्यू क्वेरीज जो हमको हमारे प्रीवियस वीडियोस पे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजी हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अनोनिमस। इन F1 वीजा इंटरव्यू, व्हाट काइंड ऑफ एकेडमिक डॉक्यूमेंट शुड आई कैरी विद मी? ओरिजिनल और फोटोकॉपी, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट्स और फाइनल सेमेस्टर डिग्रीज। सो इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विल बी योर I-20, योर इंटरव्यू जहाँ जो आपने इंटरव्यू के लिए बुक करा है वो कन्फर्मेशन पेज, आपका DS-160 कन्फर्मेशन पेज अलॉन्ग विद आपके जो अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनेंसेस है, आप अगर उसकी फोटोकॉपी भी लेके जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने यूनिवर्सिटी में अकेडमिक शो करे हैं वही आप उसकी फोटोकॉपी आप लेके जा सकते हैं। देर इज नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट, एंड हर चीज़ की फोटोकॉपी चलेगी। द ओरिजिनल थिंग जो आपको लेके जानी है दैट इज योर पासपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर, दैट नेम इज अनोनिमस। मैम, आई हैव डन माई बैचलर इन 2021 विद 87 मार्क्स एंड आई गॉट 6 बैंड इन। Please tell me if you apply for masters, can you get scholarship? So, dear student, your percentage is very good and you are eligible for a scholarship. But I would suggest कि आपके IELTS में 6 आए हैं, but if you are going for masters, minimum हमको 6.5 band चाहिए होता है. But definitely I would suggest कि आप Duolingo exam दें, तो Duolingo का जो score है वो around 115 आपका आ जाएगा. उसके basis पे you can apply if you want to go in a good university. Also, again, you are eligible for scholarship according to the academics. So, next question is from Gursevak Gill. Which document are required for scholarship? So, जो documents required हैं, that is your academics. अगर आपके academics 75% above हैं, अगर आपके 12th में 75 above आए हैं या आपके bachelor's में 75 above आए हैं, then you get eligible for scholarship. बहुत सारी universities ऐसी होती हैं जो scholarship के लिए एक essay मांगती हैं. So, if you are going through some consultant या किसी counselor के through आप US के लिए apply कर रहे हैं, तो definitely they will help you with the scholarship essay. आपके SOP के अंदर भी आप अपने स्किल्स जब बताएंगे तो आप स्कॉलरशिप से रिलेटेड बात कर सकते हैं। अनदर थिंग, इफ यू वांट बेटर एंड मोर स्कॉलरशिप, अगर आप 12th में हैं और आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, सो यू हैव टू गिव SATs. SATs स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, अगर आप वो देंगे तो उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। नेक्स्ट इज इफ यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स, आपको देने हैं GRE GMAT, जो भी आपका कोर्स का रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ऑल्सो इफ यू आर स्टिल एमिंग फॉर, मतलब 100% है कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए ही चाहिए, यू कैन विजिट ऑन योर चोजन यूनिवर्सिटीज वेबसाइट। उस पर विजिट करके आप अपने कोर्स को देखिए एंड कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इफ़ यू विल गेट द स्कॉलरशिप इन दैट, तो उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो आपको देखने पड़ेगा। देर इज नो सच डॉक्यूमेंट्स, इज जस्ट इट्स योर अकेडमिक्स एंड द स्कोर ऑफ अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अगर आपके अकेडमिक्स एक्सेप्शनल हैं तो हो सकता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो वेवर कर दे यूनिवर्सिटी। एंड माई लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अवतार वर्ल्ड, इसी नाम से है। So the question is, hello ma'am, I have a query regarding my further education and I would appreciate your guidance. I have completed my 10th standard with 100% marks and 12th standard with 90% marks from PSEB board additionally. I have taken the IELTS English proficiency test and achieved an overall score of 6 bands with the following breakdown: listening 7, reading 6, writing 6 and speaking 5.5. I am considering Southern New Hampshire University for my higher education and I wanted to know if it's a good fit for me. Could you please share your thoughts on the university's reputation as my academic program which I chose is BSc in Information Technology, and also tell me when should I apply for scholarship and tell me that I am eligible or not. So dear student, your percentage in 12th is very good, though aapke English proficiency ka jo score hai wo kam hai, but definitely you are eligible in most of the universities. Rahi baat Southern New Hampshire ki, it is a very good university, but I would like to suggest you to apply in more better universities because aapki jo percentage hai, which is 90%, it is eligible to apply in a good ranked university. Southern New Hampshire ki rank bahut achhi hai, but you will get more top universities in the percentage you are getting.
आपके जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपको और अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। फॉर द प्रोग्राम आईटी एंड कंप्यूटर साइंस कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बहुत ही इन डिमांड है इन यूएसए एंड मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ये प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करती हैं। बट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द यूनिवर्सिटीज जिनकी कोर्स वाइज रैंकिंग अच्छी हो। सो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज सर्च करें या किसी भी हमारी काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। दे विल इवैल्यूएट योर प्रोफाइल एंड दे विल सजेस्ट यू द यूनिवर्सिटीज। व्हाट यू कैन डू, यू कैन सर्च फॉर द यूनिवर्सिटीज व्हिच आर टॉप फॉर द आईटी प्रोग्राम्स। एक सर्च करने की ट्रिक है, इफ यू आर सर्चिंग टॉप यूनिवर्सिटीज, पहले आप अपना कोर्स डिसाइड करो और उस कोर्स में जो टॉप स्कूल्स हैं आप वो सर्च करिए। उसके बेसिस पे आपके वीजा एक्सेप्टेंस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं एंड स्कॉलरशिप के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द स्टूडेंट्स जिनको क्वेरीज थी एंड जो कन्फ्यूज्ड थे। नाउ इफ यू हैव एनी मोर कन्फ्यूजन या एनी मोर क्वेश्चंस, यू कैन कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। इफ यू आर विलिंग टू स्टार्ट योर प्रोसेस फॉर फॉल 2025 एंड जैन 2025, यू कैन शेयर योर डॉक्यूमेंट्स ऑन application02@meridian.org. फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन लाइक आर वीडियो, सब्सक्राइब आर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।